Two people were killed by a mob in a remote village where the police have said that local residents suspected them of practicing witchcraft and a kangaroo court decided to kill them. जब गांव वाले इस तरह से दीदी पर आरोप लगाने लगे तो दादा को भी लगने लगा कि मतलब दीदी के हस्बैंड को भी लगने लगा कि दीदी सही में डाइम है, इसीलिए उनको गांव वाले लोग मारने आए और उनको कोई नहीं बचाया, जिसकी वजह से दीदी का जो छोटा सा परिणाम दिख रहा है। हाँ, रात लोग बहुत कमजोर है इसीलिए मार देता। देख रहे हो? मैं अपना देश देख रहा हूं। क्यों? सोच रहा हूं कि भारत असल में है क्या? क्या भारत एक देश है या भारत सिर्फ 28-29 राज्यों का या कुछ यूनियन टेरिटरीज का एक समूह है जिसमें कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के ट्रेडिशंस और कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, या भारत की अपनी एक आइडेंटिटी है, सिर्फ एक भारत। और पता है ऐसा क्यों सोच रहा हूं? इसलिए सोच रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए, मैंने अपने रील्स में ये कहा था कि भाई ये चुड़ैल बता करके हमारे देश में आज भी हत्याएं होती हैं, और मैंने ये भी पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से झारखंड में या उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में या कुछ और राज्यों में आज भी ये केसेस आ रहे हैं और बहुत हद तक आ रहे हैं। तो मैंने उनके कमेंट्स में ये पढ़ा कि ज्यादातर लोग भड़क गए कि यार तुम हमारे स्टेट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम हमारे स्टेट को बदनाम कर रहे हो। कि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मैं असल में कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो चलिए एक बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम जय अलानी है, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, और मैं वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ जो आपके जीवन में मौजूद अंधविश्वास को दूर करने के लिए अपनी कोशिशें करता है। मैं क्या दुनिया का कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चाहे कितनी बड़ी बड़ी भी मशीनें ले आए ये बात साबित नहीं कर सकता कि भूत होते हैं। तो जो बात साबित नहीं की जा सकती उसके पीछे भागना ही क्यों, रादर देन अपना समय और अपनी एनर्जी उस चीज में खर्च की जाए जिसे वाकई बदला जा सकता है, और वो है हमारे समाज के बीच में फैला हुआ अंधविश्वास। मैं वो हूँ जो जमीन की सच्चाई पर रह करके जमीन की सच्चाई को समझता है और जमीन की सच्चाई आपको बताने की कोशिश करता है कि भैया आपके चटकारे वाली भूत प्रेत की कहानियां जो आपके लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, काफी ज्यादा बेहतरीन है, वो कहीं और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, आप इसे समझिए प्लीज। तो मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ जो किसी भी तरीके की मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी मशीन से ये बात साबित की जा सकती है कि भूत प्रेत होते हैं। अब आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज की वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं विच हंटिंग के बारे में। आइए आपको किसी से मिलवाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे हमारी बातचीत हुई थी यू वॉन्ट टू कीप योर आइडेंटिटी हिडन एंड सीक्रेट। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं बताना चाहते कि आप कौन हैं? फर्स्ट थिंग इज जो वहाँ पे हुआ उसके बाद से आई थिंक वो लोग अब मेरी मदर के पीछे ऑफ कोर्स काइंड ऑफ वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, नाउ देयर आफ्टर माय मदर एंड ऑफ कोर्स अगर मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करती हूँ किसी भी और उन तक के पहुँच जाता है तो फिर वो लोग मेरे पीछे भी पड़ ही जाएंगे। इसलिए क्या हुआ था, मेरी नानी जी थी एंड 2017 में मेरे नानी जी की डेथ हुई थी। सो आफ्टर दैट नानी जी ने सब कुछ संभालना शुरू कर दिया था अकेले खुद से। तो यही बात गाँव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई कि मतलब विधवा होके क्यों संभाल रही है, जितने भी जो उनकी लैंड वगैरह है वो हमको क्यों नहीं दे रही है, मतलब उनसे लेना चाहते थे। तो नानी ने मना कर दिया कि मैं सब कुछ खुद से करना चाहूँगी, इंडिपेंडेंट बनना चाहूँगी, अपनी बेटी के पास नहीं जाऊँगी। सो यही बात उनको खटकी कि क्यों ये खुद से करना चाह रही है। फिर आफ्टर दैट उनका शुरू हुआ सबसे पहले टॉर्चर ऐसी कि पहले उनको डराया धमकाया गया बहुत ज़्यादा कि चले जाओ यहाँ से, और यू नो एक वो विच का टैग ना बहुत पहले से दे रखा था उनको काइंड ऑफ, ये नहीं पता मुझको कि क्यों दिया था।
एंड देन फिर सेकेंड जो सेकेंड इनका शुरू हुआ वो उसके बाद से उनका यू नो काइंड ऑफ सामाजिक बहिष्कार जिसे बोला जाता है, ये बहुत हैवी वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, बट स्टिल उनके साथ ऐसे हुआ था, मतलब बिल्कुल एकदम समाज से अलग थलग कर दिया गया था ये बोल के कि ये विच है, काला जादू करती है, मतलब किसी के घर पे कोई भी बीमार होगा तो उनको यू नो बोला जाता था कि तुम्हारे घर पे इसी ने जादू क्यों ना करवाया होगा। ये सब शुरू हुआ एंड फिर थर्ड फेज में हुआ क्या, गाँव के एक किसी इंसान के भतीजी थी उसकी, उसकी भतीजी को नॉर्मल जस्ट यू नो जुकाम वगैरह हुआ था एंड उसको जाके किसी ने भड़का दिया कि उन्होंने यू नो जादू टोना किया है, आपके घर पे कोरोना वायरस भिजवाया जादू टोना करके जो। अच्छा। हाँ तो उसके बाद और ये कब की बात है, ये है अप्रैल की, अप्रैल 2022। हाँ 2022 की। ओके। एंड फिर उस इंसान को यू नो ऐसे भड़काया जा रहा था एक दो महीने से, फिर फाइनली उसको यू नो एक ड्रीम में उसने देखा कि मेरी नानी काले जादू कर रही है उनके फैमिली के ऊपर। उसने बस ये ड्रीम में देखा था एंड उसने ड्रीम में उनको बोला हुआ कि काला जादू बंद करो छोड़ दो, तो फिर नानी जी ने ड्रीम में बोला हुआ कि मैं खा जाऊंगी तुम्हारे बच्चे वगैरह को, तुम्हारी फैमिली को खा जाऊंगी मैं, तो नेक्स्ट डे उसको आया गुस्सा एंड उसने जाके सीधा उनको कर दिया मर्डर, मार दिया। हाँ मार दिया जस्ट एक ड्रीम की वजह से, क्योंकि पहले से उसके कान भरे जा रहे थे ये ना कि उनको पहले से बोला जा रहा था कि वो जादू टोना करती आई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि लगातार वो ऐसी बातें सुन रहा था। हाँ, तो एक ऐसा सपना आना वो एक बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, वो सपना आया तो उसके बाद उसके हिसाब से उसमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये सपने में, हाँ सपने में कंफर्मेशन मिल गया कि ये सच्ची में करती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो ड्रीम एक यू नो एक वो लास्ट स्टेज था टू बी फॉर, ये सही बोलो तो यानी कि वो इस चीज में मानता था कि ऐसी कोई भी चीज जब मेरे सपने में आएगी तो वो सच्ची होगी। सच्ची होगी। I'm sorry, but first of all, I'm really sorry to hear about this, any such kind of story, and I'm really sorry for your loss. शायद मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ें आज अब नहीं होती हैं या कभी थी ही नहीं। मैं थोड़ी सी डिटेलिंग और ज़रूर आपसे पूछूंगा, ये मर्डर किस तरीके से किया गया? वो पहले उनके घर गया एंड उससे उनसे बोला गया कि जादू टोना से ठीक कर दो मेरे बीवी एंड बच्चे को, तो नानी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करती ऐसा कुछ, तो उसको आया गुस्सा, पता नहीं आई थिंक वो पहले से ड्रंक भी था थोड़ा, तो उसको इजीली गुस्सा आ गया एंड जो फावड़ा होता है उससे उसने कई बार उनके हेड पे एंड उनके फेस पे वार किया, और फिर उसके बाद वो वहीं पे गिर गई एंड वो जिंदा थी, तब तक स्टिल वो जिंदा थी, और वहाँ के आसपास लोगों को यू नो पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आवाज़ें आई थी बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की ये सोच के कि वो विच है, एंड वो यू नो देख के डर गया कि इतना मारने के बाद वो अभी भी जिंदा है, तो उसने सोचा था कि मैं जला के जाऊँगा यहीं पे बॉडी जला के जाऊँगा, उसने पूरी तैयारी भी कर ली थी, मतलब जितने भी वो जो राख वगैरह होती है कैरोसिन वगैरह वो लेके आया था, बट पता नहीं कि वो वैसे ही छोड़ के चला गया, एंड देन फिर गांव के सब लोगों को रात के 7-8 बजे तक पता चल गई थी बात कि उनकी डेथ हो गई है, एंड वो लोग मतलब गए डेड बॉडी देखी एंड फिर भी किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बताया, बस आपस में वो लोग वहाँ पे जाके डेड बॉडी देखते रहे एंड वो यू नो वो साइट एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर रहे थे कि इफ तुम ऐसे जादू टोना टाइप करते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी रही। फिर वो किलर 10-11 बजे रात के वापस आए ये सोच के कि इसको जादू टोना आता है तो ये जिंदा बच गई होगी, अब तक वो आया आरी लेके आया, फिर वो गला काट के गया डेड बॉडी का वहाँ से, एंड तब तक लोगों ने कुछ भी यू नो कुछ नहीं किया, सबको पता था गांव पूरा दिन डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, पूरा दिन डेड, इनफैक्ट नेक्स्ट डे तक डेड बॉडी ऐसी पड़ी रही, जब किसी यू नो गाँव के लोग ने मम्मा को इन्फॉर्म किया सुबह, फिर मम्मा ने यहाँ से पुलिस को कॉल किया तब जाके, वरना किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, किसी ने कुछ यू नो गांव के लोगों के पास जाओगे ना उनका अभी भी वही बिहेवियर है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ, वो डायरेक्ट सीधा हमारे ये फेस पे बोलता है कि अच्छा हुआ मर गई वो। कहाँ की बात है आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मत बताइए, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रही, ये छत्तीसगढ़ की बात है एंड झारखंड से थोड़े से दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड बॉर्डर ट्राइबल रीजन है, ट्राइबल एरिया। हाँ आप खुद एक ट्राइबल है। हाँ पुलिस का क्या कहना था? पुलिस के पास गए उनके लिए पता ही बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल केस था बेसिकली, क्योंकि उनको पता है ऐसे केसेस उनके पास कितने सारे आते हैं,
खुद बोला कि ये गाँव के लोग यू नो ये जादू टोना डायन टोना करके जो मारा जाती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, कुछ नया नहीं है उनके लिए। जिसने मारा वो पकड़ा गया? हाँ वो पकड़ा गया, अभी वो जेल में। हाँ तो सुना आपने, इसकी नानी को एक डायन बताकर मार दिया गया। और ऐसे कई और केसेस होते हैं हमारे देश में जिन लोगों को नहीं पता कि भाई विच हंटिंग या डायन बता करके आज भी लोगों को मारा जा रहा है या उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके लिए कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। आधुनिक भारत में महिलाओं को डायन बताकर मारना या उन पर अत्याचार करना ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसे केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। मगर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कई केसेस कभी रिपोर्ट होते ही नहीं। Apparently she was branded, she was disturbed, she was made to drink dirty water and then she was killed. And what's even more horrific is members of his own family. His father died a month ago and it is his father's elder brother's family including two teenagers. अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुल मिलाकर 12 से ज्यादा राज्यों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सिर्फ 1999 से लेकर के 2013 के बीच डायन या चुड़ैल बताकर लगभग 2300 महिलाओं की हत्याएं कर दी गई। हाल ही में सामने आई एक न्यूज रिपोर्ट की अगर माने तो झारखंड में लगभग हर रोज 3 केसेस प्रतिदिन औसत से आते हैं। लोग कहते हैं कि अब ऐसे केसेस नहीं होते तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ। September 3, 2022 झारखंड के रानाडी गांव में 3 औरतों को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी गई। इनके ऊपर गांव के 2 लड़कों को जादू करके मारने का इल्जाम था जबकि वो मरे सांप के काटने से। September 24, 2022 4 लोग जिनमें से 3 औरतें थी उन्हें झारखंड के असवारी गांव में काला जादू करने और विच क्राफ्ट करने के इल्जाम में जान से मार दिया गया। मरने से पहले उन्हें मलमूत्र खिलाया गया और गर्म लोहे की रॉड से उन पर हमला किया गया। बात अगर करें उड़ीसा की तो हाल में ही उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर विमेन और एक्शन एड की एक रिपोर्ट बताती है कि उड़ीसा भारत में दूसरे स्थान पर आता है ऐसे केसेस के मामले में, जिसमें से 83% मामले उड़ीसा के मयूरभंज, सुंदरगढ़, रायगढ़, मलकानगिरी, कोंझार, गजापति और गंजम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये मेरा डेटा नहीं है बल्कि उड़ीसा गवर्नमेंट का डेटा है। इस रिपोर्ट की कॉपी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो केसेस हुए उनमें से 30% केसेस के विक्टिम्स की हत्या कर दी गई, 70% केसेस में उनके ऊपर अत्याचार कर उन्हें समाज से निकाल दिया गया। इस तरह के कुल केसेस में सिर्फ 69% केसेस ही लोगों के सामने पहुंचे जिनके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई। इनमें से 27% केसेस में इन औरतों पर बच्चों को बीमार करने का इल्जाम लगा, 43% केसेस में इन औरतों पर व्यसकों को बीमार करने का आरोप लगा, 24.5% मामले नजर लगाने या जमीनी विवाद से जुड़े हुए थे और 5% केसेस में इन औरतों पर ये इल्जाम लगा कि ये जादू टोना करके फसलों को खराब कर रही हैं। मई 2022 आसाम में एक औरत को डायन बताकर उसे पेड़ से लटका दिया गया। अक्टूबर 2022 केरला में 2 औरतों का सर धड़ से अलग कर दिया गया ये बताकर कि वो डायने हैं। नवंबर 2022 बिहार के गया के पास एक गांव में एक औरत को डायन बताकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये महज कुछ केसेस हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। जो आंकड़े इस वक्त आपने अपनी स्क्रीन पर देखे ये मेरे आंकड़े नहीं है ना ये मनगढ़ंत कहानियां है, ये गवर्नमेंट डेटाज है, ये पब्लिक आर्टिकल्स है, ये न्यूज रिपोर्ट्स है, ये वो आंकड़े हैं जो तथ्यों के आधार पर बनाए गए। जब मैं ये बात कहता हूं कि झारखंड में या उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में या किसी और स्टेट में ये एक वर्स्ट हिट मामला है, भारत के 12 से ज्यादा राज्यों की यही कहानी है, तो इसमें स्टेटवाद यानी कि राज्यवाद कहां से आ जाता है? लोग क्यों ये कहने लगते हैं कि ये झारखंड को बदनाम कर रहा है, ये उड़ीसा को बदनाम कर रहा है, ये किसी और स्टेट को बदनाम कर रहा है? क्यों हम एक भारत की तरह क्यों नहीं सोच सकते? किसी ने कमेंट किया कि भाई उड़ीसा में ऐसा नहीं होता, तो उसके ऊपर किसी और ने कमेंट किया कि होता है भैया, ये देखो ये मीडिया आर्टिकल है, ये पढ़ो तुम। तो उसके ऊपर उस बंदे ने ये कमेंट किया और ये कमेंट मैं आपको बता रहा हूं इसने मुझे सबसे ज्यादा हिट किया, इसने मुझे दुख पहुंचाया। ये कमेंट पढ़ के लगभग 1 सेकंड के लिए मेरे आंसू निकल गए थे, मुझे इतना दुख हुआ। इस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि 5 करोड़ के राज्य में 300 केसेस आ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये एक
घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है। 300 केसेस कम लग रहे हैं आपको? और ये क्या लॉजिक है कि 5 करोड़ के राज्य में 300 केसेस आ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वाह, अगर 150 करोड़ के इस देश में हर रोज 1 लाख क्राइम हो जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। ऐसे जज करेंगे आप अपने देश को? ये प्रारूप बनाएंगे आप अपने समाज का कि नंबर ऑफ केसेस आपके लिए मायने रखते हैं? अरे उड़ीसा तो छोड़िए, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं भी एक केस भी नहीं आना चाहिए। एक केस भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों आ रहे हैं ये केसेस? क्यों उन औरतों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें ये मलमूत्र खिलाया जा रहा है? क्यों? मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में कोविड लॉकडाउन के दौरान 3 औरतों को डायन बताकर मारपीट की गई, उनके साथ उन्हें मलमूत्र खिलाया गया, अर्धनग्न करके पूरे गांव में घुमाया गया। क्या इस तरीके से हम अपना समाज देखेंगे? क्या इस तरीके से हम अपने समाज का प्रारूप बनाएंगे? क्या इस तरीके से हम एक डेवलप्ड सोसाइटी बनेंगे? झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई ये बता के कि ये लोग काला जादू करते हैं। कुछ दिनों पहले हम रांची गए थे और रांची के कुछ भीतर के गांव तक हम गए जहां हमने ये समझने की कोशिश की कि असल में विच हंटिंग होता क्यों है। आइए आपको रांची के सफर पे लेके चलते हैं। झारखंड में लगातार सामने आ रहे विच हंटिंग के केसेस पर लगाम कसने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जो कि झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन करता है, उसके द्वारा लगातार गरिमा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें ऐसे केसेस के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश है और मैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSRPS में प्रोग्राम मैनेजर सोशल डेवलपमेंट के रूप में काम करता हूँ। गरिमा परियोजना जो है वो, इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य को डायन कुप्रथा से मुक्त करने का है, टू मेक झारखंड फ्री फ्रॉम विच हंटिंग एंड विच ब्रांडिंग इन प्रैक्टिसेस। मैं नीलेश जी और उनकी टीम के साथ झारखंड के कुछ ऐसे अंदरूनी गांवों में गया जहां से मुझे ये समझने में मदद मिल सकती थी कि आखिर ऐसे केसेस क्यों होते हैं और इनकी जड़ क्या है। हमने गांव में जाके वहां के लोगों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसी बातों पर भरोसा क्यों करते हैं। जहां एक तरफ महिलाओं ने ये माना कि ये सब अंधविश्वास है, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों का ये मानना था कि ये सब कुछ असल में होता है। हम लोग क्या बोले, कभी कभी विश्वास भी कर लेते हैं। इसमें कोई दुष्ट आत्मा का भी कोई कोई सेवन सब करना होता है या नहीं करना होता है? लेकिन एक से हम थोड़ा सा वैसे पूछे तो नहीं, ऐसा भी करना होता है तब जाके ये वाला काम होता है, ऐसे बोले। इस तरह का पहले पुराना पूर्वज रूढ़ीबाजी वास्ता है, पहले का पुराना रूढ़ीबाजी वास्ता है, ये तो नहीं छूट सकता है। है कि अब भूत भी चाहे माती ओझा, ये सब आप मत मनिए चाहे मनिए, लेकिन होता है। उनके पास जाते हैं तो सीधे बता देता है करण मत क्या होता है। अरे उनका तो ब्लड हो जाता है तो क्या करता है साला, इसको काटूं, ये सब होता है। आइए आपको मिलवाते हैं इस गांव की एक बुजुर्ग महिला से, जिन्हें कुछ समय पहले एक डायन बताकर सजा सुनाई गई। जैसे दीदी बोली कि कोई, जब बहुत पहले की बात है, दीदी के साथ मारपीट भी हुआ ये बोल के कि दीदी मतलब डायन है बोल के, और किसी के घर में शायद कुछ हो गया था तो दीदी को नहीं पता उनके घर में क्या हुआ था, दीदी को मारा गया। और हम दीदी से पूछे कि दीदी के घर पे जब कोई गांव वाले कोई मारने आए तो दीदी को कोई बचाया कि नहीं उसका घर वाला, तो दीदी बोली कि हमको कोई नहीं बचाया। तो हम दीदी से पूछे कि आपके पति बचाने का कोशिश किए कि नहीं, तो दीदी बोली कि उस समय उनके पति भी नहीं बचाने के लिए आए, क्योंकि जब गांव वाले इस तरह से दीदी पर आरोप लगाने लगे तो दादा को भी लगने लगा, मतलब दीदी के हस्बैंड को भी लगने लगा कि दीदी ये सही में डायन है, इसीलिए उनको गांव वाले लोग मारने आए और इनको कोई नहीं बचाया, जिसकी वजह से दीदी का जो हाथ थोड़ा सा पैराल दिख रहा है। हाँ,
लिए। उस समय ही ऐसे थोड़ा सा ज्यादा ही मारपीट हुआ था और उस समय दीदी को उसका फैमिली मेंबर भी कोई उसको हेल्प नहीं किया, इवन तक उसके हस्बैंड भी नहीं किए। ये कहानी बस इनकी नहीं, ऐसी हजारों महिलाओं की है। मैं झारखंड सरकार और JSLPS को उनकी कोशिशों के लिए बधाई देता हूँ। न न्यूज में आता है, न मीडिया में आता है, न कोई इसके बारे में बात करता है, न हमारा फेमिनिज्म जो सोशल मीडिया पर मौजूद है और बहुत ज्यादा बोलबाला है उसका, वो इसके बारे में बात कर रहा है। और जब कोई इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वो अपने ही देश के अंदर के लोगों की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। उसके ऊपर तोहमतें और इल्ज़ामों का दौर लगाया जाता है कि तुम हमारी कम्युनिटी, हमारे शहर, हमारे स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। कहने का मतलब ये था कि इस देश में आज भी डायन चुड़ैल बता करके औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने और अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक ऐसा समाज बनाइए जिसमें आप और आपकी आने वाली जनरेशन रहना चाहेंगे या रहना पसंद करेंगे। दिस इज जय अलानी साइनिंग आउट। हैप्पी हॉन्टिंग।